लोकेशन पूरी देख कर जाएं और ग्रुप फोटोग्राफ। मैं निक्षल उदयपुर से किरण रोटी और मेरी टीम मेंबर सुरभि आई। हम लोग एक संस्था चलाते हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। ये ओपन माइक्स कंडक्ट कराती है जिन लोगों को मंच नहीं मिलता था, क्योंकि जितने भी उदयपुर में ओपन माइक्स होते थे वो सभी उनमें टिकट लगता था, ये कुछ ना कुछ शुल्क होता था। तो 2017 से हम लोगों ने ये संस्था शुरू की ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। कोविड के समय भी हम लोगों ने लगभग 12 से 13 ओपन माइक्स कंडक्ट करते थे, जो कि लोग क्योंकि घर बैठे हुए थे तो कोविड के समय जब जो लोग लिखते थे वो हम लोगों को जूम पर या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर हम लोग ओपन माइक कंडक्ट कराते थे। और हमने शुरुआत केवल उदयपुर से की थी और आज हमारा प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि ओपन माइक जयपुर, जोधपुर, अलग अलग प्लेसेस, दिल्ली से इवन हम लोगों से लोग कॉन्टैक्ट करते हैं। और कॉन्टैक्ट करने के बाद उदयपुर में ओपन माइक कंडक्ट जो भी कराते हैं वो निश्चित उदयपुर उसमें वन ऑफ द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। अगला नाम पुकारना चाहूंगी पीएफसी एजुकेशन से मीनाक्षी भेरवानी जी का। पीएफसी एजुकेशन, हाय, गुड इवनिंग। वैसे तो मेरे ख्याल से सब बिजी है शॉपिंग करने में, बट ठीक है, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आज मैं थोड़े ओवरवेल्म्ड हूँ क्योंकि मैं अभी 2 घंटे पहले मेरे एक बेबी वेंचर के लिए अवार्ड लेने आई थी और अब मेरे मैच्योर वेंचर के लिए अवार्ड लेने आई हूँ। मैंने 6 साल पहले पीएससी एजुकेशन नाम से एक इंस्टीट्यूट चालू किया था जिसका इस मंथ में बर्थडे भी है, जो ACCA ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट की ट्रेनिंग देता है। और उसके अलावा मेरा हाल ही में लास्ट ईयर फ्लोटेड एक वेंचर है हुला ओपे, वहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़े मिनट्स में भी कल सर बोल रहे हैं सर मैं सीखने आई हुई थी, कल हम वर्कशॉप करेंगे हुला ओपे की। सो थैंक यू सो मच। हाँ, हमारी वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, वुमेन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन भी है। 90% एम्प्लॉयज मेरी फीमेल्स हैं, लड़के संभलते नहीं है, इसलिए 90% फीमेल्स हैं और बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप किसी फीमेल स्टूडेंट को जानते हो उज इन नीड, बिकॉज मुझे लगता है कि किसी लड़की की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। उदयपुर की हालांकि थोड़ी सी अफसोस वाली बात है कि पेरेंट्स आज भी लड़की की शादी पे खर्चा करने के लिए रेडी हैं पर उनको पैसे एजुकेशन पे खर्च करने के लिए थोड़ा सोचते हैं। तो हम उस केस में कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अडॉप्ट कर लेंगे उन लड़कियों को। सो वी आर ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मीनाक्षी। अगला नाम बहुत ही सम्मान के साथ बुकाना चाहूंगी एक मिनट नाम को रोकना चाहूंगा। मैं मीनाक्षी जी के माध्यम से एक अच्छी सी घोषणा करवाना चाहूँगा। अभी आपने बताया था कि भाई जो बच्चियाँ पढ़ नहीं सकती हैं या कोई भी परिवार परेशान है तो उसे हम क्या दे पाएंगे। आज इस मंच के माध्यम से, TLC के माध्यम से आप एक अच्छी घोषणा करके जाने वाली हैं, तो आप उनके लिए क्या करेंगी ये आप अपने मुख से बताएंगे। तो हमने हाल ही में सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और बहुत कॉमनली आप लोग ChatGPT के नाम से जानते हो, जो उसका खाली एक मिनिएचर वर्जन है। बहुत सारे AI सॉफ्टवेयर्स हैं, उसका हमने एक कोर्स डेवलप किया है और आने वाला फ्यूचर वही है। क्योंकि जो भी हमारे प्रोफेशन, जैसे मैं आज सुबह में इसकी वर्कशॉप ले रही थी जहाँ पर मैं बताया डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स चलता था जो बच्चे करते थे, पर अब AI सब कंटेंट खुद बना रहा है, इंक्लूडिंग पोस्टर्स, वीडियो एडिट करके भी दे रहा है। तो हम वो वर्कशॉप जितनी भी फीमेल्स ऐसी हैं जिनको सेटअप करना अपना काम, आई एम ओके गिविंग दैट कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट। आप आइए एंड विल हेल्प यू सेट अप योर करियर। थैंक यू सो मच। जो भी सदस्य आए आई टीम है बहुत ही सम्मान और आदर के साथ उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। तो हमारे प्रतिवर्ष हम 2 शिविर लगाते हैं ब्लड कैंप, जिससे
15 अगस्त और 26 जनवरी को, जिसमें हमारी कई बहनें ब्लड डोनेट करती हैं हमारे साथ, और उसके अलावा अन्य चिकित्सा शिविर भी लगाते हैं जिसमें कई लोगों ने फायदा लिया है। करीबन 7,000 लोग अब तक फायदा ले चुके हैं उससे। और उसके अलावा हम बच्चों को, जैसे जो बच्चे ज़रूरतमंद हैं उनको बुक्स वगैरह प्रोवाइड करवाना, उनकी पढ़ाई में रुकावट नहीं आए, इस वजह से जो भी सहायता हम कर सकते हैं करते हैं। और किसी महिला को अगर कोई भी सहायता चाहिए हमारे ग्रुप से, तो हम हमेशा तैयार होते हैं। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बोला कि कोई भी नारी की जरूरत हो तो आप तैयार रहते हैं, पुरुषों के लिए भी आप तैयार रहते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई आप पूरे संगठन को। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे पीडी जी सर निर्मल जी सिंह जी साहब यहाँ पे बता रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा आप उद्बोधन के लिए हमारे कुछ जो हमारे यहाँ पे पधारे हुए हैं सभी को उसका साथ उद्बोधन। और बहुत ही खुशी का मौका है इतना अच्छा कार्यक्रम समाज स्थान के लिए किया है। भाई गिरीश जी, भाई मुकेश जी, नागर अध्यक्ष और पटना अध्यक्ष सारी महिला संगठन ने हमसे कार्य किए हैं और इनसे दूसरों को प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा मिलने के अलावा एक सामाजिक संगठन जो चलता है, एक महिला पूरे परिवार को आगे बढ़ाती है, तो एक संगठन पूरे 50 गुना परिवार को आगे बढ़ाता है। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में विशेष तौर पर हम चाहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट हो, और वुमेन एम्पावरमेंट हो गया पूरा समाज आगे बढ़ता है। तो हमने देखा कोई कंप्यूटर में, कोई सीए शिक्षा में, कोई ब्लड डोनेशन में बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, जो बहुत मुश्किल है। महिलाओं को घर भी संभालना है और उसके अलावा अपना व्यवसाय भी संभालना है, तो ये सामाजिक संगठन में रजिस्टर कराओ, सारी कार्रवाई करो, बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं अशोका क्लब के सभी पदाधिकारी को बधाई देना चाहता हूँ, और जिनका भी हमने सम्मान किया, हम सम्मान करके गौरवान्वित हैं कि आपका सम्मान हमारे हाथों से हुआ, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे आने वाली पीढ़ी भी आपकी तरह देखेगी कि इन्होंने इतने अच्छे संगठन चलाए, इतने अच्छे कार्यक्रम किए। और मैं मानता हूँ कि हम भी चाहते हैं कि महिला 50% से हर जगह है। रोटरी में भी हम चाहते हैं परसेंटेज 20% है, हम 50 पे लाना चाहते हैं। अभी हमारी वर्ल्ड की अध्यक्ष स्टेफनी, वो भी महिला है। अभी हमारी गवर्नर है राखी जी, वो भी महिला है। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें आगे बढ़ाएं। पुष्पा जी ने कितने संगठन में समय देते हैं, माया जी से हम बहुत सीखे हैं, पहले अंबर साहब से इतने सीखे हैं। तो एक एक आदमी अपने आप में संस्था है। और गिरीश जी ने कहा कि हम सामाजिक संगठनों को कर रहे हैं, तो इसमें कोई वो नहीं होता कि मुझे कर दिया, तुम्हें कर दिया, पूरे संगठन को किया है कि सारे कवर हो गए उसमें, सारी महिलाएं आ गई। और हमारी भारत की महिला शक्ति विश्व में किसी से कम नहीं है। मैं मानता हूँ हमारे में इतना टैलेंट है, हमें उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और आज ये मौका इसी ने लिया है, मुझे बुलाया, मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आप सबको पूरा बधाई। मैं चाहता हूँ हर साल मिले और हर साल आपका संगठन बढ़ता रहे और तन मन धन से हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय रोटरी। थैंक यू सो मच सर। इसी बीच में जैसे कि नारी शक्ति को नमन है, तो हमारे बीच में हमारे असिस्टेंट गवर्नर भव्या मैम भी, तो मैं चाहूँगा कि दो शब्द मैम आप भी प्लीज। धन्यवाद मुकेश जी, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जनरल सर का विशेष धन्यवाद, क्योंकि उनका स्नेह हमेशा हमेशा रहता है। हमारे संस्कृत में कहावत है, इतने पूज्यंतु नारियंते नमस्ते तथा देवता। जहाँ नारी को पूजा जाता है वहाँ देवता का निवास रहता है। और आज हमारी नारी शक्ति इतनी सशक्त है और हर फील्ड में इतना अच्छा कार्य कर रही है कि हमें गर्व है कि हम औरतें हैं और हम अपने परिवारों के साथ साथ अपने समाज को भी बढ़ा रही हैं। हम शिक्षित हैं तो हम अपनी आगे वाली आने वाली पीढ़ियों को भी शिक्षित कर रही हैं और उन्हें अच्छे संस्कार देकर और अच्छे तरीके से बड़ा कर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही हैं।
और उन्हें ऐसा करने का प्रेरित करें जिससे हमें अच्छा समाज मिले, जो कि मजबूत हो, जो कि अच्छी तरह से संस्कार लेकर और हमारी आगे वाली पीढ़ियों को चला सके। इसी तरह से महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, जैसा कि सर ने बोला ही है कि हर क्षेत्र में, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें हम कह सकें कि आज महिलाएं आगे नहीं हैं। हर जगह वो अपना परचम लहरा रही हैं, चाहे वो ओलंपिक्स हो, चाहे वो साइंटिस्ट्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो कोई सा भी फील्ड हो, सब जगह महिलाएं कंप्यूटर्स में, सब जगह अपना नाम कर रही हैं। और आज इतनी महिलाओं को इकट्ठा इतना सामाजिक कार्य देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा मन में प्रसन्नता हो रही है कि मुकेश जी ने और रजनी जी ने इतना बढ़िया आयोजन किया है जिसमें इन लोगों को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि ये आगे भी समाज के लिए अच्छे से अच्छे कार्य कर सकें। प्लस जो इनको देख रहे हैं और जो यहाँ उपस्थित हैं और इनके मेंबर नहीं हैं, वो इनसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें ताकि इनकी शक्ति और बढ़ सके।